हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन देखेंगे पीएसबी के कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन जो अपन वेब सर्विस में यूज करेंगे। पीएसबी में कुछ भी चीज़ को प्रिंट करते हैं तो अपन पिछले देखा था कि उसके लिए अपन एक कोई स्टेटमेंट यूज करते हैं, जैसे अपन ने सेंड किया तो हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अगर पीएसबी में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो अपन सिंपल वेरिएबल का नाम लिखेंगे डॉलर के साथ और वैल्यू, जैसे ये डेसिमल वैल्यू होगी उसको इको कराएंगे तो पहले सेव कर दें। इसी तरह स्ट्रिंग वेरिएबल को भी अपन पीएचपी में सिंपल वेरिएबल की तरह स्टोर करा देंगे, उसको प्रिंट करेंगे तो ये भी इसमें पोस्टमैन में प्रिंट हो जाएगा। डेट वेरिएबल के लिए पीएचपी हमेशा YYY MMDD में डेट को सेव करती है सर्वर पर, YYY Y -MM -DD यानी -DD। तो इसके लिए डेट फंक्शन यूज़ करते हैं, उसके अंदर YMD जिस फॉर्मेट में दे रहे हैं तो ये आउटपुट उसी फॉर्मेट में देगा। तो इको कराइए तो अपन सिस्टम की करंट डेट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अपन को सिस्टम का करंट टाइम प्रिंट करना हो तो अपन डेट के अंदर HIS यानी आवर मिनट सेकंड में टाइम आ जाएगा। इसको प्रिंट करा के देखते हैं तो सिस्टम का करंट टाइम आ जाएगा। उसी तरह अगर अपन को कॉन्कनेट करना, दोनों चीज़ साथ चाहिए डेट और टाइम, यानी कभी कभी वैल्यू एंटर करते हैं कोई डाटाबेस में वैल्यू कब इंसर्ट हुई उसके लिए अपन डेट और साथ में टाइम भी इंसर्ट करना है, तो दोनों के लिए अपन डेट टाइम YMD स्पेस HIS डेट टाइम को प्रिंट करा देंगे। इसको चेक करेंगे तो डेट टाइम साथ में इंसर्ट हो जाएगा डेट टाइम फील्ड के लिए। इसके साथ ही अपन अब दोनों फंक्शन, अगर अपन को कोई कॉन्कनेट करना है पीएचपी में कॉन्कनेट करना है उसके लिए पीएचपी डॉट यूज करती है कॉन्कनेट के लिए। जैसे अपन को डेट और टाइम को कॉन्कनेट करना है उसके बीच में स्पेस दिया हुआ अपन ने जिससे दोनों वैल्यू अलग अलग रहे। अब अपन देखते हैं इसको प्रिंट करके तो डेट और टाइम प्रिंट हो गए। अब इसके बाद आता है कभी कभी अपन देखते हैं कि पीएचपी में जैसे डेटाबेस में जैसे सपोज करो अपन को कोई वैल्यू इंसर्ट हुई, उस इंसर्ट समय अपन को उस टाइम का वैल्यू देखना है तो अपन सेकंड में दे सकते हैं, लेकिन अगर वैल्यू एक साथ बहुत ज़्यादा प्रिंट हो रही है तो अपन चाहते हैं कि उसको माइक्रो सेकेंड तक टाइम स्टोर करें या नैनो सेकेंड तक। अपन इसमें माइक्रो टाइम तक स्टोर करेंगे डेट का YMD HIS सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग माइक्रो टाइम, जो भी माइक्रो टाइम है उसको 1.8 को, यानी इसके बाद ये वैल्यू को 3-4 तक ऐड कर देगा, यानी माइक्रो टाइम की माइक्रो टाइम जो भी है उसकी वैल्यू को ऐड कर देगा। उसके बाद अपन मॉडिफाइड करा दे, जब भी अपन को वैल्यू डाटाबेस में अपडेट होएगी तो माइक्रो टाइम के साथ अपन स्टोर करेंगे जिससे क्या होगा हर वैल्यू डिफरेंट हो। इसको चला के देखते हैं, ये देखो इसमें आपकी वैल्यू माइक्रो टाइम तक आ जाएगी इसके। तो इस तरह अपन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हर वैल्यू को काफ़ी हद तक डिफरेंट कर सकते हैं। सपोज करो एक टाइम में एक ही टाइम में डाटा को वैल्यू क्वेरी करनी है तो अपन को जब अलग अलग टाइम में वैल्यू इंसर्ट हो रही है इसमें माइक्रो टाइम से अपन वैल्यू की कौन सी वैल्यू पहले हुई है कौन बाद में हुई उसका पता करने में थोड़ी आसानी रहेगी। जब भी अपन को फंक्शन में जब अपन को लास्ट अपडेट वैल्यू भेजेंगे कि इस समय के बाद कौन कौन सी वैल्यू हुई है तो उसमें अपन माइक्रो टाइम भेजेंगे जिससे क्या होगा जो भी माइक्रो टाइम है उससे कंपेयर करके वैल्यू आ जाएगी। इस तरह अपन पीएचपी में ये मेन फंक्शन है जो डेट टाइम और वेरिएबल्स के। इसके अलावा अपन पीएचपी ट्यूटोरियल्स जो भी है साइट्स पर W3School से देख सकते हैं। ये सब फंक्शन वेबसाइट में सब ने यूज आएंगे। थैंक्स।